नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह सोनभद्र का क्वारंटाइन सेंटर है। देखने में आपको बिल्कुल साफ सुथरा और चकाचक दिख रहा होगा, लेकिन यह दूर के ढोल सुहावने लगने वाली बात है। जी हाँ, वैसे भी यह योगी और मोदी राज है। यहाँ सब कुछ अच्छी पैकेजिंग और चमकते हुए लवरेज लिफाफे में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत आप अभी खुद सुनेंगे एक पत्रकार साथी मनोज सिंह राणा के द्वारा बनाए गए इस वीडियो का, जो उन्होंने खुद क्वारंटाइन सेंटर से भेजा है। कल 19 लोग रेणुकूट से इस हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण लाए गए। इस क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था यह है, आलम यह है कि यहाँ के बाथरूम टॉयलेट बदबू मार रहे हैं। कल इनके जाने के बाद से रात 12 बजे तक इनको कोई खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई, पीने का पानी तक नहीं नसीब हुआ। आप अभी खुद आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बावजूद सुबह के 9 बजे तक इनको ना तो कोई दवा, ना कोई चेकअप, ना इनका कोई नाम लेवा था। आप खुद ही देखिए मनोज सिंह राणा का यह वीडियो। आपको बता दें, यह वही कोरोना योद्धा हैं जिनके स्वागत में ताली थाली और दीपक जलाकर इनको फूल मालों से बरसाया गया था, और यहाँ यह पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। आज इन्होंने सरकार के इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो सरकार हो सकता है इनकी देखरेख की बजाय इन पे एपिडेमिक एक्ट के तहत काम करे। किसी के ऊपर भी सरकार निरंकुशता से काम कर सकती है, लेकिन यह आवाज़ है मनोज राणा की और क्वारंटाइन में कैद लोगों की आगे जरूर जाएगी। थाने से 19 सिपाही एक पत्रकार आए हुए हैं। यहाँ 4 बजे से ला कर रखा गया है। अब तक हम लोगों को ना तो कोई पानी की व्यवस्था की गई, ना कोई खाने की व्यवस्था की गई, ना हॉस्पिटल द्वारा कोई भी कर्मचारी आके हम लोगों को चेक किया। नाम क्या है? मनोज कुमार। आप कहाँ पोस्टेड है? थाना पिपरी। ये कितने कल आपके कितने स्टाफ यहाँ हॉस्पिटल आए हैं? हैं 17 आदमी हैं। क्या आप लोग को हॉस्पिटल द्वारा गर्म पानी दी गई है? ना कुछ नहीं मिला है, क्या ठंडा पानी नहीं मिला। दवा? दवा भी कुछ नहीं। खाने में क्या दिया गया है? खाने में कुछ नहीं मिला। रात तक तो रात में 12 बजे चावल लेके आया था, वो लिया नहीं लोगों ने। हमको कोई जांच हुआ आप लोग का भी? ना कुछ नहीं, जांच कोई नहीं है। सैनिटाइजर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ ना कुछ कुछ भी नहीं, झाड़ू भी नहीं लगा। आप लोग को मांस वास कुछ दिया गया? ना कुछ नहीं दिया गया। ना। थाने चौकी से आए हुए हैं यहाँ हॉस्पिटल में, क्या अभी तक कोई सुविधा दी गई आपको अभी? अभी तो फिलहाल तो कोई सुविधा नहीं मिली, और तब से जब से हम लोग आए हमने पानी के लिए एक बार कहा भी उनसे, देखिए अब तक कोई व्यवस्था पानी के लिए भी नहीं। अब तक कोई पानी आने की व्यवस्था नहीं की गई यहाँ? हमको सिर्फ एक भौतिक व्यवस्था चाहिए, वो है पानी की, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो पानी है। आदमी और चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन पानी बगैर नहीं रह सकता, तो हमें सिर्फ पानी की आवश्यकता है। पानी की व्यवस्था है, सिर्फ नहीं पानी है। की आवश्यकता है। अब तक तो जब से हम लोग आए हैं, जब से यहाँ तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया हॉस्पिटल द्वारा? अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। क्या नाम है? नीतिका गुप्ता। कहाँ से आप आई हैं यहाँ? यहाँ आपको लाया गया है, जिला अस्पताल द्वारा लाया गया है। यहाँ आपको कोई सुविधा अभी तक दिया गया है? कुछ नहीं। आपको पानी वानी की व्यवस्था है? नहीं, कोई नहीं दिया गया नहीं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी है? तो एक घंटे नीचे बाहर खड़े थे, एक दो घंटे। अभी तक कोई पूछ नहीं रहा है पानी खाना, कोई नहीं पूछ रहा है। मैं मनोज सिन्हा, TV100 न्यूज, जिला संवाददाता सोनभद्र। आज मुझे सदर हॉस्पिटल लाया गया है, जहां मुझे 10 दिन के लिए रखा जा रहा है। यहां जब से हम लोग आए 4 बजे से, ना तो यहां पानी दिया गया है, ना खाना दिया गया है। अब तक 11 बज रहे हैं, अब तक कोई खाने पीने की अब व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ गंदगी भी है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ 19 पुलिसकर्मी भी पिपरी थाने रेणुकूट और पिपरी थाने से आए हुए हैं, वो अभी भूखे प्यासे हैं। कुछ मरीज है यहाँ, ये लोग भी आई हैं, महिलाएं हैं, है ना। इन लोगों को भी खाना पीना नहीं दिया गया है, सब भूख के मारे चिल्ला रहे हैं। अब तक सरकार की दी हुई व्यवस्था को भी ये लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। मनोज सिंह राणा सोनभद्र से। किरण गुप्ता। आप कहाँ से आई हैं? नहीं, बस्ती रावण। आप हॉस्पिटल में
किस लिए आई हैं अभी यहाँ भर्ती हुई? जब से कोई व्यवस्था आपको की दी गई है सरकार द्वारा? नहीं भाई, हम लोग 12 बजे से आए थे, तुम लोग 3 घंटे नीचे खड़े हुए थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई पानी वानी अभी तक नहीं आई है? नहीं, कोई पूछने वाला। आप लोग पानी के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, भूखे प्यासे हैं। सब चावल खाएंगे, पता है हम लोग चावल मना होता ना, खांसी नहीं होनी चाहिए। चावल दे चावल खाएंगे तो लोगों को खांसी ना होगी? अरे भाई, जुकाम सर्दी और इसका तेल, चावल नहीं खाना है क्या भैया? ये बताइए, आप कहते हैं कि खांसी बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, गले में खराश, गले में खराश, सुगंध करने वाला, आप तो चावल खिला रहे हैं लोगों को, क्या सुने? सूखा चावल बताइए, ये चावल है क्या सुने? आप बताओ, वही सुने हम, ये देखो जो है, आप बताओ क्या सुने? अभी तुम सारी भैया पूछो तो दिक्कत थोड़ा है, चावल नहीं खाएंगे, मैं जानवर नहीं हूं यार, क्या हो गया हो, चावल खाएंगे लोग। अपनी माँ का भाई, सरकारी चावल भाई, यही तो है कि क्या भैया, आप चावल को खाएगा, देने मत तो आज खा लीजिए, आप चावल है सर, सुगर है, वीडियो बनाओ सर, खांसी होगी चावल खाएंगे तो सुबह सर है, लक्षण नहीं रहेगा, सच्चों का लक्षण निकल जाएगा, लक्षण निकल जाएगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे सर, 1.5 लाख रुपया इनका बन जाएगा सर, 1.5 लाख बंद कर दी, दादाजी चावल नहीं खाती है ना, जरा चावल खाएंगे और होगा, शुगर है बढ़ जाएगा, कोई नहीं खाएगा, शुगर के मरीज है, हम लोग चावल नहीं खाते रात में, ठीक है आप जहर लाए खिलाने के लिए, चावल ला के हम लोग को बढ़ाएंगे बीमारी, और बढ़ाएंगे बीमारी, चावल खाना छूते हैं, पत्रकार से बात करो भैया, ये बताइए आपको किसने कह दिया इन लोगों को चावल खिलाने के लिए? बताओ भाई बताओ, नहीं किनने कहा आपको? मालूम है चावल खाने से रात में खांसी आती है, यहाँ जो लोग आए होंगे तुमको खांसी तो होगी, अगर चावल खाएंगे तो शुगर के मरीज होंगे क्या आप? चावल हम लोग को बीमार होना देखना चाह रहे हैं, बीमार करना चाह रहे हैं, हम लोग अपने घर में थे तो ठीक नहीं थे, ले जाएगा, ले जाएगा। 9 बज रहा है, कल से यहाँ हम लोग को लाया गया है, यहाँ कोई भी सफाई कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अभी तक यहाँ किसी को पोटिंग आधार नहीं मिला, दवा नहीं मिली, कोई चेकअप नहीं हुआ, ना कोई पूछा हम लोगों से कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी है कि ना तो यहाँ तो सैनिटाइज किया गया, बाथरूम यहाँ के इतने गंदे हैं, जहाँ सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है, ऐसे हाल में अगर रखा जाएगा, हम लोग बीमार नहीं है, बीमार हो जाएंगे। सोनभद्र से मनोज सिंह राणा। जरा सोचिए, यहाँ तो मनोज सिंह राणा जैसा पत्रकार है जो बेबाकी से इनकी आवाज़ उठा रहा है, बाकी क्वारंटाइन सेंटर में क्या हाल होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।